राम राम घनश्याम भैया। राम राम प्रदीप भाई। मेहनत करने में लगे हुए भाई। क्या करे प्रदीप भैया, अपना पेट के साथ साथ जो है माल मवेशी का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। ये तो खैर जरूरी है, भोजन तो सभी की जरूरत है। अच्छा प्रदीप भाई, कहाँ से आ रहे हैं? हम तो समूह की दीदियों के पास गए थे, किसान दीदी के पास। आलू खेती का सीजन आ गया ना। अच्छा हाँ हाँ, तो उन्हीं का जो है सो पिको के जरिए आलू खेती का जो हम लोग वीडियो दिखाते हैं, हाँ, उन्हीं का प्रसार करने गए। अच्छा, आपका पिको अभी तक चल रहा है? हाँ भैया, मेरा पिको तो ठीक ठाक चल रहा है। मैं तो हर सीजन में उनकी फसलों के अनुसार उनका वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा प्रदीप भैया, हाँ हाँ, चलिए ना बैठते हैं, थोड़ा देर चाय पानी भी पी लीजिएगा। अब वैसे भी आपको हमारे यहाँ का चाय बहुत पसंद है। नहीं नहीं, वो तो काफी दिन हो गया जी, काफी दिनों बाद मिले हैं। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, चलिए चलिए चलिए। बड़ा मजा आ गया यार चाय पी करके। अच्छा, चाय तो बड़ा ही मजेदार बना हुआ था। अच्छा प्रदीप भैया, ये बताइए कि हम लोग को तो साथ ही मिला था पीको। हाँ हाँ, पीको तो हम लोग को साथ में मिला था। तो हमारा जो है इतना जल्दी खराब हो गया और आपका अभी तक चल रहा। क्या खराबी हो गई आपके पीको में? मेरा पीको में क्या हुआ है, जो पहले तो जो है सही से क्लियर साफ दिखाई नहीं देता था। अच्छा। अब क्या हुआ है, ऑन ऑफ भी जो है ऑन ऑफ नहीं हो रहा, मतलब चालू नहीं हो रहा है। वो चालू ही नहीं हो रहा। ये तो बड़ी दुख की बात है भैया। ये पीको हम लोगों को एक साथ मिला था, मेरा पीको सही चल रहा है और आपका पीको खराब हो गया। ऐसा तो नहीं कि आप पीको के रखरखाव में कहीं गलती किए? नहीं, हम तो सही से रखे थे। फिर तो खराब होने की कोई चांसेस नहीं है। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि आप पीको कैसे रखते? हम तो वैसे ही रखते थे, बस समूह में जाके दिखा के आते थे। गए दीदी को दिखाया? दिखा दिए। अब डिस्चार्ज जो होता था, हाँ, तो उसको चार्ज में लगा देते थे। अच्छा। और क्योंकि सुबह तो फिर हमको अगले दिन दिखाना होता था। हाँ, अगले दिन तो दिखा, तो चार्ज में लगा देते थे सुबह, फिर निकाल के और फिर दूसरे दिन दिखाते थे हम। अच्छा, तो आप पूरी रात पीको को चार्ज में लगा करके छोड़ देते थे? हाँ हाँ। अरे यही तो गलती करते थे, इसको पूरी रात चार्ज में लगा करके नहीं छोड़ना चाहिए था। तो चलिए, जब हम आज मिले हैं तो हम बताते हैं आपको कुछ सावधानियां, जो इसको किस तरह से उस सावधानियों को अपना करके हम पीको को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए भैया, आपका तो वैसे ही नया की तरह दिख रहा है, लग रहा है। हाँ भैया, बहुत मैं संभाल के रखे हुए हैं। बहुत संभाल के मैं इसको रखता हूँ, तभी तो अभी तक चल रहा है। तो दिख रहा है। अच्छा, अभी आपका पन्नी नहीं फटा है? पन्नी क्यों फटेगा, इसको मैं जब यूज करता हूँ तो इससे बाहर निकालता हूँ और फिर इसको प्लास्टिक में डाल करके इसी पॉलिथीन में डाल के लपेट के रख देता हूँ। अच्छा। और देखिए, पन्नी में इसीलिए लपेट के रखता हूँ, ये नमी और पानी से तो बचाता ही है। हाँ हाँ। साथ में गंदगी और धूल से भी हमारे पीको के लेंस और पीको को बचाता है। यदि इसमें धूल मिट्टी नहीं जाएगा, गंदगी नहीं जाएगा, तो हमारा पीको का लेंस और पीको भी सुरक्षित रहेगा, वो खराब नहीं होगा। अच्छा, हम जो मेरा जो पन्नी था वो कहाँ फेंका गया पतो नहीं चला, और डब्बा तो मेरा फट फूट गया। फिर तो आप इसको खुले में रखते होंगे? हाँ, तो क्या करते थे, वहाँ जो है डेक पे रख देते थे। इसीलिए तो आपको जो है सो आपका पीको खराब हो गया। अच्छा, हम तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिए, हम तो सोचे जो मतलब पीको है मजबूत है, रख देते थे। तभी तो इन्हीं लापरवाहियों के कारण तो आपका पीको खराब हो गया है। बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बहुमूल्य चीज हम लोगों को मिला हुआ है और हम लोग कुछ असावधानियों के कारण, कुछ लापरवाही के कारण इस पीको को खराब कर देते हैं। मुझे भी अफसोस बहुत हुआ है कि हम जो है अपने पीको को अपने लापरवाही के कारण जो है अपना पीको खराब कर लिए। अब आप हमको बता दीजिए थोड़ा सा, तो हम भी इस पे ध्यान देंगे और भविष्य में जो है मेरा पीको खराब ना हो और ज्यादा दिन तक चले। देखिए भैया, सबसे पहले बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि जिस प्रकार हमें ट्रेनिंग में बताया गया कि इस पीको का इस्तेमाल कैसे करें, उन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं कि हमें इसमें स्पीकर जोड़ना है, तो स्पीकर का एक पॉइंट बना हुआ है, ये देखिए, ये है आपका स्पीकर का पॉइंट। अच्छा, ठीक है। और ये स्पीकर कॉर्ड का पिन, ठीक है ना? ठीक है। इसे आप बिल्कुल सावधानी से इसमें ऐसे लगाएं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ यदि आपको चार्ज करने का जरूरत पड़े
तो इसमें आप चार्जर का जहाँ पे पॉइंट इसका बना हुआ है उसमें आप जो है सो ये देखिए, ये है आपके पिको के पीछे पिछले हिस्से में ये चार्जिंग का पॉइंट है, दिखाई दे रहा है, यह है ना चीज। अच्छा, इसमें यह है चार्जर का पिन, ठीक है ना, और इसको पिको से ऐसे आसानी से बिल्कुल कनेक्ट करना है, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये आपका चार्जिंग कॉर्ड भी कनेक्ट हो गया और स्पीकर कॉर्ड भी कनेक्ट हो गया। अच्छा भैया, ये तो हो गया। इस पिको के अनुसार तो मैंने आपको चार्जिंग पॉइंट और स्पीकर पॉइंट का के बारे में भी बता दिया, हाँ। ठीक है, हो सकता है अलग अलग पिको में अलग अलग स्थानों पे ये पॉइंट्स बने हो, ठीक है, सही बात है। और सभी किसी भी प्रकार के पिको अगर यदि ट्रेनिंग में हमें सौंपा जाता है तो उस पिको के बारे में इस तरह की सावधानियां और जानकारियां हमें उसी समय ट्रेनिंग के अंतर्गत दे दी जाती है, सिर्फ हमें उस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा भैया, ये तो हम इसके बारे में बता दिए, हाँ। ठीक है ना, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें यदि किसी बटन के बारे में या किसी बिंदु के बारे में इस्तेमाल करते समय कोई ना समझ आए किसी भी बिंदु पे, तो उसमें हमें खुद से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, हो सके तो अपने जो हमारे साथी भाई हैं जिनको ये जानकारी है उनसे जानकारी प्राप्त कर लें, या नहीं तो रिव्यू मीटिंग में पहुंच करके वहां जो है सो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि आपने बताया कि आप इसे पूरी पूरी रात जो है सो चार्जिंग में लगा करके छोड़ देते थे, हाँ। ठीक है ना, तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए हमें कि ये पीको जो है 3 घंटा प्लग में लगाने पर यदि पावर रहता है तो 3 घंटा चार्ज जब हो जाएगा, हाँ। तो ये पीको लगभग पूरी चार्ज हो जाती है। अच्छा, नहीं तो इसमें देखिए चार्जिंग के लिए लो चार्जिंग और कंप्लीट चार्जिंग के लिए पूरी तरह चार्ज हो जाते हैं, तो उसके हाँ। लिए एक लाइट इंडिकेट करता है इसमें, हाँ, वो लाइट रहता संकेत है? जलता है, हाँ, जलता है लाइट, हाँ। ठीक है ना, तो उस लाइट अगर वो लाइट आपको संकेत करे कि नहीं ये पूरा चार्ज हो गया है तो हमें इसे बिजली से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। यही तो हम ध्यान नहीं दिए। देखिए, पूरी चार्ज हो जाने के बाद भी बिजली में से कनेक्ट रहने पर में क्या होता है कि पीको का बैटरी जल्दी खराब हो सकता है और पीको के सिस्टम पे भी उसका असर पड़ता है। अच्छा, देखिए अब क्या करना है, यदि हम समूह के बीच इस पीको से प्रसार समाप्त करें तो इसको आसानी से फिर ऐसे निकाल करके सभी प्लग और तार को रख लें, और ये देखिए मेरा पन्नी है ना इसका, हाँ। इसको सावधानी पूर्वक इस पन्नी में ऐसे लपेट के रख दें ताकि धूल मिट्टी या कोई भी नमी टाइप इसमें ना प्रवेश करे, ठीक है। अच्छा, ठीक है भैया, हाँ हाँ, देख लिए इसको, ठीक, पूरा पैक करके इसको फिर इसी डब्बे के अंदर इसको सावधानी से रख देना है, ये ढक्कन लगा करके, और इसका जो ये मास्टर पैकिंग है इसमें इसको बड़ा बड़ा डब्बे में ऐसे करके रखें, सुरक्षित, ठीक है, ठीक है। आप तो बहुत अच्छा से बता दिए हैं कि इसका रखरखाव कैसे करना है, और हम अगर इस तरह से रखे होते और इसकी सावधानियां जो अगर हम बरतते तो आज मेरा पीको खराब नहीं होता। एक महत्वपूर्ण बात आपको हम और बता देते हैं। क्या चीज? कि देखिए, इस पीको और स्पीकर को हाँ। हम घर के किसी ऐसे स्थान पे रखें, ठीक है, जहां बच्चे और चूहे के पहुंच से बाहर हो, या तो किसी बक्से के अंदर सुरक्षित से रखें या फिर घर के किसी ऐसे ऊंचे स्थान पर जहां पे बच्चे का पहुंच ना हो, ताकि वो इसको छू करके या पकड़ करके गिरा ना दे। अच्छा, और चूहे वगैरह इनके तार काट देते हैं, जैसे चार्जर का तार काट दिया, ठीक है ना, स्पीकर हाँ। का कॉर्ड काट दिया, तो ठीक है, तो खुले में रहेगा या सुरक्षित स्थान पर रहेगा तो चूहे इनके तार भी काट सकते हैं, ठीक, इसीलिए इसको किसी बक्से के अंदर रखें तो ज्यादा बढ़िया है। ये तो बहुत अच्छा काम किया आप कि हमको इस बारे में जानकारी दे दिए, नहीं तो ऐसा होता कि हमसे फिर एक गलती और हो जाता। इस पीको के बारे में एक बात हम और बताना चाहेंगे कि हम वीआरपी भैयाओं के लिए ये पीको ज्ञान बढ़ाने के लिए एक बहुमूल्य साधन है, और साथ में हमारे समुदाय के लोग जो देखते हैं इसका प्रसार देखते हैं उनको भी ज्ञान बढ़ोतरी में बहुत सहायक होता है, और ज्ञान के साथ साथ हम वीआरपी भैया को आमदनी बढ़ाने में भी ये एक अहम भूमिका निभाती है। सभी हमारे साथियों को निवेदन है
अनुरोध है कि इस पीको से संबंधित जो भी मैंने घनश्याम भैया को जितनी भी सावधानियां बताए हैं उन सावधानियों को अपना करके उनको ध्यान में रख करके इस पीको को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। हाँ भैया, जो गलती हम किए हैं उसको आप लोग नहीं कीजिएगा। जो सावधानी बताया गया है उसको अपनाइएगा और अपना पीको को जो है वो सुरक्षित रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका पीको खराब नहीं होगा और ज्यादा दिन तक चलेगा।